आज सोशल मीडिया के युग में कब किसके सितारे चमक जाएं और कौन हो जाए रातों रात वायरल, ये कोई नहीं जानता है। आए दिन आप सोशल मीडिया पर किसी न किसी को वायरल होते हुए देखते ही होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं पांच ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने मात्र एक गाना गाकर हुए रातों रात वायरल। तो चलिए देर ना करते हुए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, वुमन बादिकर। आज कच्चा बादाम वाले अंकल को कौन नहीं जानता होगा। वुमन एक मामूली मूंगफली बेचने वाले थे जो गांव में घूम घूम कर पुराने सामान के बदले मूंगफली दिया करते थे, लेकिन मूंगफली बेचते समय वो कच्चा बादाम गाना गाया करते थे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था लोगों को। बादाम बादाम है दादा कच्चा बादाम, आमा गाचे नाई को बुबु बाजा बादाम। एक लड़की ने उन्हें गाता हुआ देखकर उन्हें कैमरे में कैद कर लिया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। वो सोशल मीडिया रातों रात बहुत तेजी से वायरल हो गई। लोगों ने इस गाने को और अंकल को बहुत ज्यादा पसंद किया और इस गाने पर बहुत ज्यादा रील्स भी बनी। कुछ समय तक ये लाइमलाइट पे थे, लेकिन आज वो वहीं पहुंच गए जहां वो थे और आज भी गांव में घूम घूम कर मूंगफली बेचा करते हैं। नंबर 4, फरमानी नाज। फरमानी नाज आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है क्योंकि इन्होंने एक मुस्लिम होकर हिंदू भजन हर हर शंभू गा दिया। जहां लोगों को इनका ये गाना ना गवारा हुआ, वहीं कई मौलवियों ने तो इन पर फतवा ही जारी कर दिया और कहा तुमने इस्लाम का अपमान किया है, जिसका न्यूज चैनलों ने काफी ज्यादा मसाला बनाया। लेकिन फरमानी ने साफ साफ कह दिया कि मैं एक कलाकार हूँ और मेरा पहला धर्म मेरी कला है और मुझे सभी धर्मों के लोग सुनते हैं, इसलिए मैं सभी धर्मों के गाने गाती हूँ। और इस बात के लिए कई लोगों ने इनका सपोर्ट भी किया। नंबर 3, यशराज मुखाटे। यशराज मुखाटे स्टार प्लस के सीरियल साथ निभाना साथिया के डायलॉग पर इन्होंने बहुत ज्यादा फनी रैप बनाया कि सबकी जुबान पर ही चढ़ गया। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम चने कुकर में चढ़ाकर। ये इतना ज्यादा वायरल हुआ कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी तो इस पर लिपसिंग करते हुए नजर आई, साथ ही नेता ने भी इस डायलॉग का बहुत ज्यादा यूज किया और इनके आज भी फनी रैप रातों रात वायरल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर जहाँ पर इनके 5.03 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वहीं इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। नंबर 2, रानू मंडल। रानू मंडल 2019 में एक प्यार का नगमा गाते हुए काफी ज्यादा वायरल हुई थी। ये एक लाचार महिला थी जिनकी ताकत इनकी आवाज बनी। रानू मंडल कई सालों तक रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठकर गाना गाती रही, लेकिन इनकी एक दिन किस्मत बदली। एक लड़के अतेंद्र ने रानू को गाना गाते हुए देखा और कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये रातों रात बहुत तेजी से वायरल हो गई और जहाँ पर इनको कई रियलिटी शो में बुलाया गया, वहीं इनको हिमेश रेशमिया ने अपने साथ गाने का मौका भी दिया, लेकिन इन सब चीज़ों को इन्होंने अपने एटीट्यूड की वजह से खराब कर दिया। ये पब्लिक प्लेस में फैंस के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आई और आज इनकी हालत बद से बदतर हो गई है। नंबर 1, अभिलाषा पंडा। हर हर शंभू भजन से अभिलाषा पंडा आज बहुत तेजी से वायरल हो रही है। मात्र 3 महीने में इस भजन पर 85 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। ये भजन देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। उसका कारण है अभिलाषा की आवाज। इनकी आवाज कानों में मधुरता घोल जाती है। अगर आपने ये भजन सुना होगा तो आप अच्छे से जानते होंगे। ये इस टाइम 21 साल की हैं और ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। तो चलिए, ये वो 5 वायरल लोग थे जो एक गाने से बहुत तेजी से वायरल हुए और एक गाने ने इनकी किस्मत बदल कर रख दी। आपका इनमें से कौन फेवरेट है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अभी तक हमारे चैनल को किया नहीं सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अमेजिंग और रियल वीडियोस लाते रहते हैं। ऐसी अमेजिंग और रियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारे वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।